Where was Ramanayan? फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख रहे हो ऑलराउंडर श्रेय और मैं हूं आपका होस्ट श्रेय। सो गाइस, मुझे पता है जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है उस पे तो काफी कंफ्यूज आई क्योंकि मैंने कई टाइम वाइट डाली, वो तो मेरी फॉल्ट है। बट एक्चुअली मेरे बीच में पेपर आ गए थे जिसकी वजह से वो दिक्कत हुई थी। एंड जब मैंने वो वीडियो जब यूट्यूब पर डाली तब मैंने जब देखी तब मेरे को समझ आया कि उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। तो अब मैंने आवाज़ का बहुत अच्छा इंतजाम कर लिया, तो अब आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी आवाज़ आ रही होगी अभी आपको। सो गाइस, आज आपने अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा कि आज हम क्या करेंगे। तो आज हम दो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वैसे सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बता देता हूँ कि जो हमारा अब ये वीक होगा ना, ये केमिस्ट्री वीक होने वाला है, तो इसमें बहुत मज़ा करने वाले हम। तो गाइस, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी चीज़ है जो आज हम दो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो है एक तो टर्मरिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम टर्मरिक से पता लगाएंगे कि हमने एसिड डाला या फिर बेस, हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये एसिड या फिर बेस है, एक तो वो करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम करेंगे वो है लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर से आज हम टेस्ट करेंगे जो हमारा ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर था जो हमको किट के साथ मिला था, तो ये सबसे फर्स्ट पे रखिए। आज मंडे है तो आज हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आज ये दो एक्सपेरिमेंट होंगे, फिर वेनेसडे को क्या होगा, हम पीएच स्ट्रिप करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसको मैंने सेकंड पे इसलिए रखा है क्योंकि वो भी एक रेडीमेड चीज़ है, तो इसकी वजह से मैंने जो है उसको सेकंड पे रखा है। जो थर्ड मतलब पीएच स्ट्रिप टेस्ट करेंगे, पीएच स्ट्रिप को मैंने सेकंड पे इसलिए रखा है, फर्स्ट पे तो ये इसलिए है मतलब लिटमस पेपर वगैरह, क्योंकि ये हमको सिर्फ ये बताते हैं कि कौन सा एसिड है एंड कौन सा बेस है। बट जो पीएच पेपर होता है वो ये भी बता देता है कि जो बेस है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है, वैसे ही एसिड है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है, तो वो थोड़ा और एडवांस है इस चीज़ से, तो इसलिए वो सेकंड पे रखा है। थर्ड पर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूंगा, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि वो क्या चीज़ है। तो देखो, हम एक चीज़ से एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हम खाते हैं, हम वैसे रेगुलरली नहीं खाते बट कई लोग खाते हैं, सैलेड में खाते हैं एंड बीट रूट के साथ भी खाते हैं। एंड वो जो होता है ना, मैं क्या क्या बताऊँ उसका, मतलब मैं आपको एग्जैक्टली बताना नहीं चाह रहा, वो आपका काम है गेस करना। वो एक पीएच इंडिकेटर की तरह काम करता है, जैसे पीएच स्ट्रिप करती है वैसी, उसको हमको पानी में डालकर एक सोल्यूशन बनाना होता है। और अगर मैंने कुछ बता दिया तो आपको पक्का से पता लग जाएगा, जिन्होंने टेंथ पढ़ी है मतलब जो अभी टेंथ पढ़ रहे हैं उन सभी को पता लग जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात करूँ। इसकी वजह से मैं इतना नहीं बता रहा, सैलेड में डलता है एंड गोल होता है, इससे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता। गोल भी होता है, सैलेड में भी डलता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, उसमें से हमारे एक इंडिकेटर में काम आने वाला है। तो गाइस, वो हमारा फ्राइडे को होने वाला है, तो हमारा वेनेसडे को पीएच पेपर होगा एंड फ्राइडे को हमारा वो सोल्यूशन से हम, वो भी एक पीएच इंडिकेटर है बट वो हम घर पे बनाते हैं, इसलिए मैंने उसको थर्ड पर रखा है। तो फ्राइडे तक वेट करिए, आपको इसका आंसर जरूर से मिल जाएगा। सो गाइस, आज के फटाफट से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की हमको वीडियो के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला हल्दी वाला, जो हमारा टर्मरिक एक्सपेरिमेंट है। वो एक्चुअली मैंने दो इसलिए आज दिखा रहा हूँ क्योंकि वेनेसडे को दिखा रहा हूँ, फ्राइडे को दिखा रहा हूँ, वो एक तरीके से सेम ही है, उन दोनों का काम सेम है बट वो कलर डिफरेंट शो करेंगे, मतलब एसिड में डिफरेंट होगा, बेस में डिफरेंट होगा। जो मैं कलर मतलब वेनेसडे को दिखाऊंगा वो डिफरेंट होगा फ्राइडे वाले से, वो आपको तभी पता लगेगा जब मेरी आप वेनेसडे और फ्राइडे वाली वीडियो देखेंगे, तो उसको भी देखिएगा। तो गाइस, मैंने हल्दी को इसलिए, मैंने जो हल्दी वाला एक्सपेरिमेंट था उसको मैंने इसी में इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि वो बहुत कम टाइम लेता है इसकी वजह से। तो गाइस, फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने एक बीकर लिया है यहाँ पर, ठीक है, ये 100 ml वाला वही बीकर है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ठीक है, ऐसे करके दिखा देते जिससे आपको दिख जाए, ठीक है। तो ये वही बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है एक्चुअली, बीकर नहीं है, मैं गलती से बीकर बोल रहा हूँ। फिर हमको चाहिए थोड़ा सा पानी, ये हमारा पानी हो गया, ठीक है। फिर हमको चाहिए डिटर्जेंट पाउडर, ये हमारा डिटर्जेंट पाउडर है, ठीक है, ये हमको जरूरत तो नहीं है, ये मैंने अभी यूज़ की थी, मेरे को अच्छी नहीं, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए है नहीं वो। फिर हमको चाहिए थोड़ी सी हल्दी, एक प्लेट ले लेते हैं क्योंकि हल्दी गिर सकती है एंड वो कपड़ा ख़राब कर सकते हैं, तो एक प्लेट ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके। एंड हमको आखिरी जो चीज़ चाहिए वो है ये, होपफुली आपको पूरी टेबल दिख रही होगी। तो यहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं वो कुछ इस प्रकार है, इस तरीके से, हल्दी, पानी, डिटर्जेंट और ये हमारा विनेगर है, मैंने इसको टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ था, ये विनेगर है हमारा, ठीक है, ये पूरा विनेगर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जब हम हल्दी में बेस मिलाते हैं तब जो हल्दी का कलर हो जाता है वो हमारा ब्लू, सॉरी ब्लू हो रहा है, वेरी वेरी सॉरी,
रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन आपको अलग ही कलर दिख जाएगा वो। और जब हम उसको वापस उसमें लाइक कोई भी एसिड मिलाते हैं जो कि विनेगर है उसको मिलाएंगे तो हमारा कलर वापस येल्लो हो जाना चाहिए। तो आइए देख लेते एक बारी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ली है, हल्दी को मैंने इस बीकर में डाल रहा हूँ ऐसे करके, इसमें डाल देते हैं जो साइड में गिर गई उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारी हल्दी इसमें चली गई, अब हमको डालना थोड़ा सा पानी। ठीक है, ये हमारा पानी हो गया एंड इसको अच्छी तरह मिक्स कर लो। ठीक है, यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया हमारा, आप देख सकते हैं सोल्यूशन एकदम येलो कलर का हो चुका है क्योंकि तो हल्दी मिलाई है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर मिलाएंगे और जैसे डिटर्जेंट पाउडर मिलाएंगे वैसे ही हमारा जो हल्दी का कलर है वो येल्लो से रेड ब्राउन हो जाना चाहिए, रेडिश ब्राउन। यहाँ पर हमने इसमें ये मिला दिया। ओके एंड नाउ वी हैव टू मिक्स इट। ये देखिए कितना डार्क कलर हमको यहाँ पर मिल चुका है, जैसे कि मैंने आपको बोला था रेडिश ब्राउन हमारा यहाँ पर बहुत अच्छी तरह कलर हो गया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट रेडिश ब्राउन हमारे यहाँ पर कलर हो चुका है। इसका मतलब हमको पता लग गया कि इसके अंदर बेस था, ये जो डिटर्जेंट पाउडर होता है ये हमारा बेस था क्योंकि इसके अंदर हमारा बेस कंपाउंड होता है। मेरे ख्याल से सोप में NaOH होता है एंड लिक्विड सोप में KOH होता है, इसका मैंने देखा नहीं, मैं देखकर आपको यहाँ पर लिख दूंगा कि इसके अंदर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो बेस है एंड इसको ऐसा कलर का बना देते हैं। देखो कितना डार्क कलर हो चुका है हमारा बीकर का भी और मतलब उसके अंदर लिक्विड का। अब ये हमारे पास है विनेगर, अब विनेगर को जैसे इसके अंदर डालेंगे हमारा जो कलर है वो वापस येल्लो हो जाना चाहिए। अब मुझे क्वांटिटी का नहीं पता, हो सकता है कि इसकी क्वांटिटी कम हो तो एक सेकंड के लिए येल्लो हो बट फिर वापस रेड हो जाए, तो ये हो सकता है। मैंने अभी और विनेगर नहीं ले रखा, तो अगर ये सिचुएशन आती है तो मैं कट कर विनेगर और इसमें ले आऊंगा एंड वी विल पोर दैट अगेन। तो इसमें जैसे मैं इसके अंदर इसको ऐसे करके डालता हूँ, ये देखिए एक रिएक्शन हो रही है यहाँ पर बट इससे देख सकते हैं येल्लो हो चुका और काफी भारी हो गया हमारा बीकर। तो गाइस हमारा विनेगर का तो काम हो गया था बट मैं ये स्ट्रॉ मतलब स्ट्रॉ नहीं ये रोटी मतलब थोड़ा सा घोलने के लिए इसको ले आया था मैं, तो इसको ऐसे करके हम घोल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बोला था जैसे यहाँ पर हमारा नीचे रेड रह गया है तो इसका मतलब हमको थोड़ा विनेगर की कमी शॉर्टेज पड़ गई, बट आप देख सकते हैं ये येल्लो हुआ था। थोड़ा सा और विनेगर लाता हूँ एंड देन इसको वापस कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मैं और यहाँ पर विनेगर ला चुका हूँ, अब इसको भी इसके अंदर डालते हैं, देखते हैं। अब थोड़ा धीरे धीरे करके डालेंगे क्योंकि आपने देखा एकदम इतनी फास्ट रिएक्शन हुई, तो इसको थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर ऐसे करके एंड देख सकते एकदम सब बाहर सा आ रहा है। बाकी वाले को भी पोर करते हैं एंड आप देख सकते हैं अब ये कम्प्लीटली येल्लो हो चुके हैं, मतलब हल्का सा रेड कलर अभी भी है, वो इसलिए क्योंकि देखो मैंने प्लेट लगाई इसलिए क्योंकि ये हो सकता था यहाँ पर इतनी ज्यादा रिएक्शन हुई कि वहां पर हमारे बबल्स इतने ज्यादा क्रिएट हो गए कि एकदम टॉप तक इसने इसको भर दिया। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमारा येल्लो हो चुका है फुल्ली। अगर हम नींबू डालते तो वो इससे ज्यादा बेटर एसिड है, एसिडिक इससे ज्यादा होता है तो वो मे बी बस आधे नींबू में ही पूरा उसको येल्लो कर देता, बट आप देख सकते हैं हमारा जो रिजल्ट था जो हमको चाहिए था वो भले ही थोड़ा ज्यादा विनेगर में आया बट आ गया। चलिए अब दूसरे एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ हमारे एक्सपेरिमेंट। सो गाइस दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या चाहिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर सारे वो रख लिए हैं इसमें जो भी हम टेस्ट जस्ट में भी टेस्ट करने वाले हैं आज हम। तो दूसरी अब क्या क्या है इसमें, ये जो है ये है लेमन लेमन जूस नींबू से निकाला है, ये जो है ये हमारा विनेगर है, ये जो हमारा वाटर है, ये हमारा जो है हमारा ये डिटर्जेंट पाउडर का मतलब लिक्विड उसको किया है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं था ये डिटर्जेंट पाउडर था उसको लिक्विड फॉर्म में मैंने किया है, और ये है हमारा बेकिंग सोडा। अब आई डोंट नो ये बेकिंग सोडा इतना ज़्यादा नीचे क्यों बैठ गया है, तो हम क्या करेंगे इसको स्टर कर लेंगे पहले ही, मतलब उसमें डालने से पहले भी हम स्टर कर लेंगे। स्टर कर लेते हैं क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, देखो ये बेकिंग सोडा है नहीं, आई एम लिटल बिट कंफ्यूज्ड
कि बेकिंग सोडा है नहीं, क्योंकि वहां पर जहां से मैंने बेकिंग सोडा लिया वो एक्चुअली अपने एक नॉर्मल से छोटे से डिब्बे में रखा हुआ था, एंड ऐसे सेम बॉटल तीन बॉटल में अलग अलग वाइट चीजें रखी हुई थी। तो अभी ये बेकिंग सोडा लग रहा है क्योंकि ये बार बार बैठे जा रहे हैं एंड बहुत जल्दी जल्दी बैठ रहे हैं सीरियसली। तो इसको हम करने से पहले इसको स्टर कर लेंगे। आइए इस फटाफट से लिटमस, और उसके बाद हमको चाहिए दो लिटमस पेपर, ये ब्लू है ये रेड है, हम दोनों एक एक करके डुबा के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए ट्वीजर्स, हम इसको ऐसे करके डुबा सके जिससे, एंड इसमें फिर हम अपने सारे लिटमस पेपर कलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक्चुअली यहाँ पर जो बीकर रखे हुए थे उसको मैंने उठा लिया, तो इसमें कलेक्ट कर लेंगे लिटमस पेपर जो भी हमारे वेस्ट होते जाएंगे, मतलब यूज होते जाएंगे, वेस्ट गलत वर्ड है। तो ये हमको पता है ये हमारा एसिड है, तो सबसे पहले हम इसमें हम अपना रेड लिटमस पेपर डुबा के देखते हैं। तो जब हम इसमें अपना रेड लिटमस पेपर डुबाएंगे तब इसमें कोई कलर चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसको हमने ऐसे करके यहाँ पर हमारे एक लिटमस पेपर ये रहा, फटाफट से इसको डुबोते हैं इसमें, इसको ट्वीजर से डुबोएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। एज यू कैन सी इसमें कोई कलर चेंज नहीं है, एज इट इज रेड का रेडी है, ठीक है। ऐसे करते पहले सबका रेड टेस्ट कर लेते हैं एंड देन सबका ब्लू टेस्ट करेंगे, या फिर एक एक करके रेड ब्लू ही कर लेते हैं। तो गाइस बड़ी मुश्किल से मैंने रेड वाले तो निकल गए थे बट ब्लू वाले निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, बट अब सारे निकल गए हैं। तो अब फटाफट से आगे कंटिन्यू करते हैं अपना जो हम कर रहे थे, तो हमारा एक्सपेरिमेंट आगे कंटिन्यू करते हुए हमने ये निकाल लेते हैं, ये उड़ जाएंगे। तो अब हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, अब देखते हैं कि लेमन जूस में क्या होता है। डाल दिया और ये देखिए क्लियरली हमको दिख रहा है कि लेमन जूस प्रॉपरली एसिडिक है, क्योंकि ये ब्लू कलर था एंड ये रेड में चेंज हो गया है। आप ध्यान से देखिए इसे, ये ब्लू था और रेड में चेंज हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, अब हमारा वापस हम एसिड वो चेक करेंगे। अब हमारा विनेगर का है तो इसमें वापस चेक करते हैं, विनेगर में भी कोई चेंज नहीं रेड में, क्योंकि ये रेड तब ब्लू में चेंज होता है जब कोई बेस में होता है। अभी हम बेस में डाल ही नहीं रहे, अभी तो हम एसिड में डाल रहे हैं, तो इसलिए आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं हुआ। अब हमको एक बेस की स्ट्रिप चाहिए वापस, मतलब जो बताती हो कि क्या है। हाँ अब ये विनेगर में जब डालेंगे तो ये चेंज हो जानी चाहिए वापस से, क्योंकि ये भी एक विनेगर भी एक एसिड है। ये देखिए वापस जो हमारी स्ट्रिप थी वो रेड में चेंज हो गई ब्लू से। अब वापस आते अपने वाटर पे, अब हमारा वाटर का बारी है। तो इस वाटर में जब हम डुबोएंगे तब कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रेडी है। एंड जब हम अपनी ब्लू वाली को डुबोएंगे तो भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है। देखिए ये एज इट इज ब्लू ही रहेगी, हल्का सा कलर चेंज हुआ है पर्पल में, बट उसको आप मत देखिए, ये या तो रेड में चेंज होती है या फिर कोई और कलर में चेंज नहीं होती। तो हमारे लिए पानी न्यूट्रल है, क्योंकि ना इसमें रेड चेंज हुआ ना ब्लू चेंज हुआ। अब हम बेस पे आ रहे हैं, तो चलो आप पहले ब्लू से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लू लिया है एंड कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ है, और थोड़ी सी रिएक्शन हुई थी, अंदर बबलिंग हुई थी, बट कोई कलर चेंज नहीं हुआ। अब हमको इससे ट्राई करना है, चलिए देखते हैं क्या इससे चेंज होता है। ये ब्लू हो जाना चाहिए क्योंकि हमने डिटर्जेंट ले रखा है, एंड ये देखिए परफेक्टली रेड से ब्लू चेंज हुआ है। एंड कितना ज्यादा, मतलब दोनों में चेंज हुआ, जब एसिड में डाला तो वो ब्लू में हुआ, और जब बेस में डाला तो ये मतलब रेड से ब्लू में हुआ। अब हम सबसे पहले इसका ब्लू चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि आई डोंट नो कि ये बेकिंग सोडा है या नहीं। अगर अब वो अब देखो अब हमको पता नहीं है, तो अब रियल टेस्ट होगा, अब पता लगेगा कि सही में है नहीं। देखो ब्लू में तो कोई चेंज नहीं हुआ,
रेड में होना चाहिए अगर ये सही में बेकिंग सोडा है तो। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, या डेफिनेटली ये बेकिंग सोडा था। चलो अच्छी बात है कि ये बेकिंग सोडा था, क्योंकि उन तीनों में से ऐसे और कोई भी चीज़ नहीं थी जो इस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर सके, तो यहाँ पर हमारे ये भी चेंज हो गया। तो मतलब लिटमस पेपर तो एकदम परफेक्ट ही है, एंड ये सारी चीज़ें भी एकदम परफेक्ट काम करी हैं। तो गाइज आज के बस इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक करना एंड शेयर भी कर दो इस वीडियो को, जिससे सब देख सके। ये क्लास 10th का एक्सपेरिमेंट है, तो जो आपके आपके दोस्त हैं क्लास 10th में उनको आप शेयर कर दो, जैसे वो भी इस एक्सपेरिमेंट को देख सके। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिससे आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिल सके। मैंने आपको बताया कि ये केमिस्ट्री वीक है तो उस पर बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।